सत्याग्रह। साउथ अफ्रीका में भारतीयों को शूद्र समझा जाता था तथा हीनता से देखा जाता था, उन्हें कूली बुलाया जाता था। जल्द ही गांधी जी को भी ये अनुभव सहना पड़ा। गांधी जी रेलवे के प्रथम श्रेणी से विक्टोरिया जा रहे थे। बीच में एक यूरोपियन यात्री वहां दाखिल हुआ और उसने वहां गांधी जी को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। मेरे पास यहाँ का टिकट है, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। लेकिन ये कक्ष गोरों के लिए है, तुम अब यहाँ से निकलो वरना मुझे स्टेशन मास्टर से शिकायत करनी पड़ेगी। मेरे पास इसी श्रेणी का टिकट है और मुझे यहाँ बैठने का पूरा हक है। उस आदमी ने स्टेशन मास्टर से शिकायत की। इस खुले को बाहर निकालो और तीसरे दर्जे में डालो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है। गांधी जी ने उससे बहस करने की कोशिश की पर उनके बात किसी ने नहीं सुनी। Hey मिस्टर, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? अब मुझे जबरदस्ती खड़नी पड़ेगी। पुलिस वाले ने गांधी जी को उनके सामान के साथ बाहर धकेल दिया। ट्रेन चली गई। गांधी जी ने कड़ी सर्दी में रात गुजारी लेकिन उन्होंने अपने सामान को छुआ तक नहीं। इस घटना ने